पहले पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर बदनाम किया। दिल्ली कैपिटल्स ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर इनकी सैलरी बंद कर दी। टीम इंडिया से कुछ देर के लिए बाहर क्या हुए कि गीत मीडिया ने इनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया। घुटने में चोट लगी, चोट का ऑपरेशन करवाया, लेकिन टीम इंडिया के लिए खेलने का इनका जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ। फिर उठे, फिर खड़े हुए, भारतीय टीम को कई मैच सिंगल हैंडेडली इन्होंने जिताया। और इनका नाम है मोहम्मद शमी। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इनके नाम के आगे लगा हुआ है मोहम्मद, और इस गलती का एहसास हमने मोहम्मद शमी को आज से दो दिन पहले हुए भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान दिलाया, जब भारत बुरी तरीके से पाकिस्तान से हार गया। तब हमने सेम यही सवाल मोहम्मद शमी से पूछा जो आज से पहले हम इरफान पठान, यूसुफ पठान, जहीर खान से पूछा करते थे, इनके देशभक्त होने का सर्टिफिकेट। आखिर होते कौन है हम इनके देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले? किसने हमें अधिकार दिया है कि हम हर मुसलमान से उनके देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे? क्या हम सच में भारतीय टीम से प्यार करते हैं, या देश के नाम पर, धर्म के नाम पर हम देश को बांटने का काम करते हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर कीजिएगा।